मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने 109 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम प्रदेश में सब जगह एक समान विकास का काम कर रहे हैं और अब अगले 5 साल के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि और ज्यादा विकास का काम हम करते रहें। पूरे हरियाणा की जनता से और खास करके करनाल की जनता से अगले 5 वर्ष का कार्यकाल आपको आशीर्वाद दे। हमारा जो लाइसेंस 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है उसको रिन्यू करने का अधिकार आपको पास है। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा 8 सितंबर को रोहतक में खत्म होगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। आर9 टीवी के लिए करनाल से करमवीर सिंह की रिपोर्ट।